बेहद खास है इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पर दिखेगा रिंग ऑफ फायर। क्या होता है रिंग ऑफ फायर? अक्टूबर का ये महीना बेहद खास है। इसे खास बनाने वाले हिंदू धर्म और प्रकृति की अद्भुत घटनाएं हैं। पहला, इसी महीने में पितृपक्ष, सूर्य ग्रहण और नवरात्रि होने का संयोग बना है। आज रात को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण को और भी खास बना रहा है रिंग ऑफ फायर, क्योंकि जितनी अवधि के लिए ये सूर्य ग्रहण लगेगा उसके बीच कुछ मिनटों के लिए लोगों को रिंग ऑफ फायर का अद्भुत नज़ारा भी देखने को मिलने वाला है। सवाल ये है कि रिंग ऑफ फायर होता क्या है और सूर्य ग्रहण के दिन ये आखिर दिखता कैसे है? तो क्या रिंग ऑफ फायर देखने के लिए आपको रात तक का इंतजार करना होगा? बिल्कुल नहीं। चलिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि रिंग ऑफ फायर कैसा दिखता है, साथ ही ये भी बताते हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका असर हम पर और आप पर क्या पड़ता है। रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के बारे में हम आपको बताने जाए उससे पहले इस सूर्य ग्रहण के बारे में ये भी जान लीजिए कि ये एक मामले में और भी बेहद खास है, क्योंकि ये कोई आम सूर्य ग्रहण नहीं है। इसको खास बनने के पीछे का कारण ये है कि जब सूर्य ग्रहण का वक्त होगा तब चांद पृथ्वी से सबसे दूर होगा। ऐसा संयोग सालों साल में कभी कभार ही बनता है। अब चलिए जानते हैं कि रिंग ऑफ फायर होता क्या है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। सूर्य ग्रहण की वजह से सूर्य आपको पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन सूर्य के सामने आप जो छाया देख रहे हैं वो चांद की छाया है। उसके किनारों पर रिंग जैसी चमकती रोशनी दिखाई दे रही है। ये सूर्य की रोशनी है जो कि बिल्कुल रिंग की तरह है। वहीं सूर्य को आग का गोला भी कहा जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के वक्त जब सूर्य इस तरीके से दिखता है तब उसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। जब यह तैयार होता है तो यह बेहद खूबसूरत दिखता है। इसकी खूबसूरती को आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। रिंग ऑफ फायर तैयार कैसे होता है? अब ये भी जान लेते हैं कि ये प्रक्रिया होती कैसे है, यानी रिंग ऑफ फायर तैयार कैसे होता है। दरअसल इसे एक खगोलीय घटना माना जाता है। इसी घटना को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सूर्य ग्रहण के वक्त जब सूर्य और चंद्रमा धरती की तुलना में एक ही रेखा में आ जाते हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि चंद्रमा का आकार सूर्य से छोटा होता है, इसलिए जब ये सूर्य के सामने पूरी तरह से भी आ जाता है तो वो सूरज को ढक नहीं पाता। ऐसे में सूर्य का जो हिस्सा नहीं ढका होता है वही एक छल्ले के रूप में दिखाई पड़ता है और वो रिंग यानी एक अंगूठी की तरह दिखता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इंडिया में रिंग ऑफ फायर का क्या पड़ेगा असर? विज्ञान में सूर्य और चंद्रमा को एक ही रेखा में आना बेहद खराब माना जाता है। विज्ञान के मुताबिक ऐसे वक्त में नेचर का संतुलन बिगड़ने का डर रहता है, इसलिए इस वक्त को बेहद खराब माना जाता है। लेकिन भारत के लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला है, इसलिए ना तो इसका अच्छा प्रभाव और ना ही बुरा प्रभाव इंडिया के लोगों पर पड़ने वाला है। फिर तो रात होने का इंतजार कीजिए और वक्त आने पर रिंग ऑफ फायर के अद्भुत नज़ारे का मजा लीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।